हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 21 अगस्त 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मन्नापुरम में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला है 3.89% का नेगेटिव मूव। 148.05 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम आज के दिन देखने मिला है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल साइज की बनी है, नीचे के साइड में थोड़ी सी बड़ी हमें विक जो है देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे हमारे RSI की, RSI हमारे यहाँ पे जो है आ चुका है अराउंड 6160 के आसपास, जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मूव का एक्सपेक्टेड डाउनसाइड मूव जो है अराउंड 144.48 के आसपास देखने मिले। अगर उसको भी क्रॉस करते हैं इजी मूवमेंट हमें जो है 139.8 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको यहाँ पे अराउंड 133 के आसपास अगर दो दिन तक जो सस्टेन करते हैं देखने में जरूर वहां पे बाइंग करें। वहां से आपको 5-10% का इजीली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा स्टॉक आप आराम से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको यहाँ पे अराउंड 123.5 के आसपास आते हुए देखने में जरूर वहां पे बाइंग करें। वहां से आपको जो है यहाँ पे 100% कैपिटल नहीं डालना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेवल है यहाँ पे 20-25% तक आप कैपिटल डालें, बाकी कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक ने जो यहाँ पे रिसेंटली अपना 52 हाई जो है यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे फिलहाल हमने इस रेंज में स्टॉक का कोई भी एनालिसिस नहीं किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो मार्किंग्स करनी होगी। तो जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर लें, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है जो यहाँ पे मंडे के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्किंग नीचे के साइड में देता हूँ ताकि अगर स्टॉक कभी भी ज्यादा नीचे के साइड में आए तो आपके पास हमारा दिया गया डेटा हो जिसकी मदद से आप अपना एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड ले सके, तो इसको आप जरूर आप मार्क कर ले। बाकी यहाँ पे जूम करके बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 147.50 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है हमारा यहाँ पे 145.90 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 148.60 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 143.85 का, उसके बाद 141.85 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 150.65 का, उसके बाद 152.50 का।
यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जब अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो हमें 140.60 से लेके 150.65 के रेंज में क्लोजिंग देखने मिले। बाकी यहाँ पे जो है अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पे 145.90 के नीचे तो स्टॉक हमें जो है नीचे के साइड में और आते हुए देखने मिल सकता है, इसी को आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी फ्राइडे क्लोजिंग के बेसिस में मंडे के लिए मेरा ओपन जरूर एक पॉजिटिव साइड का 140.60 लेके 150.65 के रेंज में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है मंडे के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।